ब्रजेंद्र जी, अगर बात करें तो आजकल जो यहाँ पर देखा गया है, काफ़ी चर्चा में यहाँ पर है कि आउटसोर्स जो कर्मचारी खासतौर पर जो स्वास्थ्य सेवा में अपनी सेवा यहाँ पर देते कोविड काल से, उनको निकाल दिया गया है, उनको अब जो है सड़कों पर आने आ गए हैं, तो क्या कहना है आप लोगों का? हाँ, सीटू राज्य कमेटी की ओर से हम आज जो है माननीय मंत्री जो हैं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी, उनसे मिलने वाले हैं और इसी विषय को उठाने वाले हैं। हमारा मानना ये है कि प्रदेश के अंदर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज प्रदेश के अंदर जो है लगभग 30,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, और कोरोना काल में अगर असल में कोई कोरोना योद्धा था तो वो वार्ड बॉय थे, वो सिक्योरिटी का स्टाफ था, वो सफाई के कर्मचारी थे, वो लॉन्ड्री में काम करने वाले मजदूर थे हॉस्पिटलों में, वो खाना बनाने वाले लोग थे, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोरोना काल में जब जो है अपने नज़दीकी लोग भी, रिश्तेदार भी मरीजों से पल्ला झाड़ रहे थे, उस समय में इन्होंने अपने जान को दांव पर लगाकर जो काम किया, लेकिन आज जब सरकार को उनकी मदद करनी थी तो आज बजट की आड़ में, आज जो है रेगुलर नियुक्तियों की आड़ में जो है इन सारे लोगों को निकालने की साजिश चल रही है। इनका वेतन जो है कई कई महीने का नहीं दिया जा रहा है। 1800 लोग तो यही हैं जो कोविड काल में जो जिन्होंने काम किया उनको जो है एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश के अंदर हैं 30,000 से ज़्यादा, इनके लिए एक नीति बननी चाहिए। लेकिन नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पिछले दिन हमने मुख्यमंत्री साहब का बयान सुना कि हम जो है रेगुलर भर्ती करेंगे। रेगुलर भर्ती तो करेंगे, लेकिन जो पुराने लोग जो 30,000 लोग काम कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा उस नई भर्ती में? उनकी जो उन्हीं लोगों को जो है रेगुलर किया जाना चाहिए, उनकी ही सीनियोरिटी बननी चाहिए, उनकी ही कॉन्टीन्यूटी ऑफ सर्विस रहनी चाहिए, उनके लिए जो EPF की सुविधा है, उनके लिए जो मेडिकल ESI की सुविधा है, उनके लिए जो 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है उसके बजाय उनसे 8 घंटे काम लेना, उनके वेतन पर जो 18% GST काटा जा रहा है, उनको किसी प्रकार की छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, उनकी जो लगातार श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है। तो हमारा मानना ये है कि ठोस नीति एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बने और उसमें ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड हों, और जो पुराने लोग हैं उनको निकाल के नई रेगुलर भर्ती नहीं होनी चाहिए ये कहकर कि हम नीति बना रहे हैं और पुराने लोग जो है जो इतने इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको निकाल के आप नए लोग रख दे गए। पुराने लोगों को सबको समाहित करके फिर उसके आगे जो नई नियुक्तियाँ होनी चाहिए। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज जो हम मंत्री महोदय से मिलने वाले हैं, अगर इसके बाद जो है इसको लेकर नीति नहीं बनती है या उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है, तो हमने एक राज्य स्तरीय अधिवेशन 6 अगस्त को बुलाया है कालीबाड़ी हॉल में, जहां पर जो हम पूरी रूपरेखा तय करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बड़े आंदोलन की ओर भी हम प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। विजेंद्र जी, स्वास्थ्य कर्मी की जो बात करें तो कोरोना के समय आपने कहा कि काफ़ी सेवा यहाँ पर दी, कोरोना वॉरियर्स का भी उनको एक तबका यहाँ पर दिया गया है, पर अब जब हालत सब कुछ सही है तो अब उनको दरकिनार यहाँ पर किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या मंशा है? नहीं, सरकार की मंशा का पे तो सवाल खड़े ही हैं। मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं कागज़ जो मैं लेकर आया हूँ, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये वो कागज़ है कोरोना काल में जो एक कर्मचारी थी, एक महिला कर्मचारी थी, उसकी मौत हो गई थी और उसको आज तक नौकरी नहीं दी गई, उनके परिवार को आज तक जो है पैसा नहीं मिला। तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि भई इनकी जो है उस कोरोना आइसोलेशन वार्ड में इनकी ड्यूटी नहीं थी, मौत तो जो कोरोना लगने से हुई और वो ड्यूटी पे थे जिस वजह से कोरोना उनको हुआ, जबकि जो है पूरे का पूरा IGMC अस्पताल ही कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया था। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था कि वार्ड में ड्यूटी थी या नहीं थी? तो जैसा आपने कहा, कोरोना योद्धा क्या सिर्फ बोलने के लिए कोरोना योद्धा है? ये आउटसोर्स के कर्मचारी जो काम कर रहे थे, आज आप उनको निकाल रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जो मैंने जिस केस का जिक्र किया, ये लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो कोरोना योद्धा सिर्फ बोलने के लिए बातें हुई ना। असल में अगर सरकार गंभीर है तो ये जो 1800 लोग जिनको निकाला जा रहा है, जिनका जो है बजट रोक दिया है, जिनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिनकी हाजिरी नहीं लग रही है, अगर असल में सरकार गंभीर है और संवेदनशील है तो 1800 लोगों को जो है वो सरकार समाहित करे, इनकी नौकरी जो उसको गवाए नहीं, और जब भी नीति आने वाले समय में बने, जैसे मैंने जिक्र किया, ये सारे पुराने लोगों को जो उसमें समाहित किया जाए।